of this one. नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे स्वागत है दीक्षांत आई के यूट्यूब पोर्टल पर जहां हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल एंड साइंस टेक के अपडेट्स पर पिछले आठ नौ दिनों के अंदर के तो अगस्त फर्स्ट वीक में क्या क्या घटनाएं हुई सेक्शन से बात करेंगे आपके साथ एनवायरमेंट मुद्दों पर तो दोस्तों शुरू शुरुआत करेंगे बिना रुके हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं हम लोग यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ पिछली क्लासेस हमने जुलाई में की थी वहां तक के अपडेट आपके पास क्लियर होंगे हमने जुलाई तक का अपना पूरा एनवायरमेंट का साइंस टेक अपडेट देख लिया था उसके बाद जहां से हमने रुका था उसके बाद क्या क्या अपडेट आए साइंस एंड एनवायरमेंट में उसको हम चर्चा करेंगे इस क्लास के साथ आपके इस टॉपिक के साथ यहां पर तो सबको सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग दोस्तों सबको वेरी गुड इवनिंग अभी जो साथी मेरे साथ ऐप पर थे उनको अगेन जोड़ रहे हैं मेरे साथ तो एक बार और गुड इवनिंग आप लोगों को और जो साथी नए जुड़े हैं यूट्यूब पर मेरे साथ अभी उनको भी अगेन फिर से एक नई गुड इवनिंग दोस्तों तो शुरुआत करेंगे बिना रुके हम लोग यहाँ पर तो जुड़ चुके हैं दोस्तों हमारे साथ फटाफट लाइक शेयर करते रहिए सेशन को हम लोग यहाँ पर ठीक है चलिए दोस्तों तो शुरू करेंगे हम लोग एनवायरमेंट के अपडेट देखेंगे तो जो दोस्त मुझे सुनते रहते हैं एनवायरनमेंट के मुद्दों पर तो उनके लिए अपडेट नया नहीं होगा लेकिन जो लोग मुझे जुड़ रहे हैं यहाँ सुन रहे हैं उनके लिए अपडेट नया होगा हम बात करेंगे क्या क्या हमारे पास इस हफ्ते के एनवायरमेंट और टेक के अपडेट पर दोस्तों ठीक है ठीक है दोस्तों थैंक यू चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग साइंस टेक एनवायरमेंट अपडेट क्या है पिछले पांच सात दिनों के अपडेट क्या है साइंस टेक और के अंदर कुछ घटनाक्रम ऑर्डर वाइज चलेंगे हम लोग क्योंकि जुलाई तक का मैं करा चुका हूँ पच्चीस जुलाई तक हम लोग कर चुके थे तो उसके बाद के जो भी घटनाक्रम आए एनवायरमेंट और साइंस टेक को लेकर वो हम यहां करने वाले हैं अगले एक घंटे के अंदर दोस्तों चलिए सब कुछ ठीक है जी हाँ सब कुछ ठीक है हमारे बीच ओके okay. पहला टॉपिक आप लोग शेयर करूंगा मैं यहां पर जो इडुक्की शहर में केरल के एडुक्की शहर में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड जी हाँ भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड देखा गया दो दिन पहले आपको याद होगा केरल के एडुक्की शहर में लैंडस्लाइड देखा गया जिसके पीछे कारण माना जा रहा है वहाँ बनाए गए कई बांध बांधों के कारण पहाड़ कमजोर पड़ गए हैं और वहां पर ये लैंडस्लाइड देखा गया तो आपके लिए काम की बात कौन कौन से पहाड़ कौन कौन से बांध बने हैं कौन कौन से वो डैम हैं जिनकी चर्चा आपके साथ हो सकती है एग्जाम में सुनेंगे आपके साथ इडुक्की केरल के इडुक्की शहर में कौन कौन से बांध हैं जिनकी चर्चा आपसे हो सकती है तो केरल का के इडुक्की शहर मैप में आपने कहाँ है तो देख रहे हैं इडुक्की शहर आपके आप साथ यहाँ पर केरल का इडुक्की शहर जो आप देख रहे हैं तमिलनाडु की सीमा पर जहाँ पर लैंड हुआ पंद्रह लोग मारे गए लगभग तो लैंड हुआ पूरा पूरा गाँव बह गया यहाँ पर आपका ये यहाँ पर कई बांध जिम्मेदार माने गए हैं इसके लिए दोस्तों एक डैम है उसमें से आर्क डैम जी हाँ आर्क डैम जो अपने फेमस डैम है एडुक्की डैम जो है जो एक विशेष प्रकार का करवाकर या आर्च डैम बोला जाता है एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम बना है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा आर्क डैम बना है कहाँ पर ये ये बना है एडुक्की में एडुक्की में इसका नाम ही नामुक्की डैम दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे ये यडुक्की में बना हुआ आर्थ डैम एशिया का लार्जेस्ट आर्क डैम है यहाँ पर ये इडुक्की में जिस कारण पहाड़ कब का पड़ रहे पहाड़ों से मलबा नीचे गिरता है जिस कारण यहाँ पर एडुक्की में चर्चा रही इसकी इसके अलावा सेकंड डैम दोस्तों पौन मुदी डैम।, जी पौन डैम, पौन डैम किस नदी पर है सर है? है पन्यार रिवर पर जी हाँ पर है दोस्तों पन्यार नदी पर है देख रहा है आपको ये भी कहां पर इडुक्की जिले के अंदर ही है ये डैम भी इडुक्की जिले के अंदर ही है जिसको लेकर चर्चा रहेगी आपके साथ तो पोन नदी पन्यार नदी पर पोन मुदी डैम ये भी चर्चा रहेगी दोस्तों इसके बाद तीसरा डैम कौन सा है फेमस

तीनों बने हैं आपके इडुक्की जिले में जहां पर लैंडस्लाइड हुआ जिम्मेदार माना गया केरल के इस पूरे सिस्टम को इस पूरे डैम सिस्टम को लैंडस्लाइड का जिम्मेदार माना गया है आगे बढ़ेंगे आगे चलेंगे हम लोग यहां पर अगले टॉपिक पे आता हूं फटाफट में आपके साथ अगला टॉपिक कवर करेंगे आपके साथ अगला टॉपिक दोस्तों एक शब्द आपके स्क्रीन पर काम का है शहरी कृषि अगला शब्द जो चर्चा में है मेरे पास शहरी कृषि सुन लीजिए मामला क्या है इसको कहते हैं अर्बन एग्रीकल्चर अर्बन एग्रीकल्चर सुन लीजिए शहरी कृषि का मतलब क्या है दोस्तों शहरी कृषि का मतलब क्या है यहां पर शहरी कृषि देखिए माना जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा या जनांकियों के द्वारा कि आने वाले दिनों में शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ेगी शहर के लिए जमीन की मांग बढ़ेगी और भारत जैसे देशों में ही लगातार शहरी आबादी बढ़ने वाली है और शहर के लिए भूमि की मांग होगी जमीन की मांग कैसे पूरी होगी है जरूर जरूरत सीधी बात है कृषि कम होती जाएगी कृषि एरिया कम होता जाएगा और शहर को ज़मीन दे जाते रहेंगे यानी कुल मिलाकर अभी जो हमारी कृषि भूमि है एग्रीकल्चर लैंड है उसका साइज़ कम होना है और शहरी इलाकों के लिए ज़मीन की मांग बढ़नी है ठीक है अब यानी कि एक तरफ खाने की चीज़ पैदा कर रहा है कम होती जा रही है और शहर की आबादी बढ़ रही है यानी कि खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है खाने का संकट आ सकता है तो यहाँ पर वैज्ञानिक या यहाँ पर हमारे पर्यावरणविद एक नया वर्ड लेकर आए शहरी कृषि शहर आपका शहर है तो शहर में जहाँ भी जगह है जहाँ भी पैचेस में जगह है शहर में जहाँ भी पैचेस में जगह है शहर के अंदर वहाँ पर आप खेती कीजिए वहां पर आप इसका यूज कीजिए अर्बन एग्रीकल्चर दुनिया के कई शहरों में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है कई शहरों में कॉन्सेप्ट आ चुका है अर्बन एग्रीकल्चर का जहाँ पर शहरों के बीच में सब्जियाँ फल या अनाच खेती की जा रही है दुनिया के कई शहरों में कॉन्सेप्ट आ चुका है जहाँ पब्लिक प्लेस हैं वहाँ पर वो ग्रीन बना भी रखते हैं ग्रीन भी है ये अपने आप में और फार्मिंग भी हो रही है जी हाँ ये ग्रीन भी हैं और फार्मिंग भी हो रही है शहरों के बीच में अर्बन एग्रीकल्चर तो जानकारों का मानना है कि भारत जैसे देशों में जहाँ आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है वहाँ भी आपको अर्बन एग्रीकल्चर की आवश्यकता पड़ सकती है ये मानना है जानकारों का दोस्तों डेटा सुन लीजिए यहाँ पर डेटा क्या है आपके पास आंकड़ा क्या है यहाँ पर आंकड़ा हमारे पास सर ये है कि लगभग 10 लाख की आबादी को बसाने के लिए एक मिलियन आबादी को बसाने के लिए चालीस हज़ार हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होती है दस लाख की आबादी आप बढ़ती है आपके राष्ट्र में तो आपको चालीस हज़ार हेक्टेयर ज़मीन चाहिए होती है उनके लिए घर उनके लिए सड़कें उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए और आपकी आबादी लगातार बढ़ रही है हमारी आबादी हर साल लगभग दस से पंद्रह मिलियन तक बढ़ जाती है एक करोड़ से डेढ़ करोड़ बढ़ जाती है तो ऐसे में आपकी लगातार जमीन की मांग है आपको ज़मीन कितनी चाहिए हर साल आधा मिलियन हेक्टेयर जमीन चाहिए यानी कि आपको पांच लाख हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी आपको यहाँ पर तो जमीन तो अगर लेंगे अगर आप जमीन तो चाहिए रहेगी जमीन लेंगे ही भी कही कहीं कहीं ना आप इससे क्या होगा कृषि भूमि कम होती जाएगी तो एक मात्र विकल्प जो बड़ा विकल्प है यहाँ पर वो है आपके सामने अर्बन एग्रीकल्चर का याद रखिएगा अर्बन एग्रीकल्चर आराम से बढ़ेंगे आगे हम लोग बताते रहिए सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा बताइए मुझे फटाफट फटाफटेगा सब ठीक चल रहा है हमारे बीच अर्बन एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे आपके साथ ठीक है ओके ऑल क्लियर ऑल क्लियर थैंक यू चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अर्बन एग्रीकल्चर अगला शब्द हमारे पास जो है दोस्तों अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों यहां पर ओके अगला शब्द मेरे पास है आपके लिए एस बी डब्ल्यू एल एस बी डब्ल्यू एल यहां पर बात कर रहे हैं स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या राजकीय वन्य जीवन बोर्ड राज्य वन्य जीवन बोर्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं आपसे राज्य वन्य जीवन बोर्ड वन्य जीव बोर्ड राज्य वन्य जीव बोर्ड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ठीक है या स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड एक ही बात है याद रखिएगा देश में हमारे यहाँ नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है एक नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड होता है हमारे पास एक जिसके अध्यक्ष पी साहब होते हैं और राज्यों के जो बोर्ड होते हैं उनके अध्यक्ष सी साहब होते हैं हर राज्य का अपना अपना बोर्ड होता है दोस्तों कोई समस्या नहीं है, है हमको यहाँ पर ऐसे ही एक बोर्ड महाराष्ट्र में है जिसकी मीटिंग हुई दो दिन पहले जिसकी मीटिंग हुई महाराष्ट्र के सीएम ने इस अध्यक्षता की इस बोर्ड की और मीटिंग हुई और दो तीन बड़े फैसले लिए गए हमारे काम के हैं वो फैसले क्या हैं पहला पॉइंट क्या हुआ इस बोर्ड की मीटिंग में

दो तस्वीरें हैं यहाँ फूल बंद है क्लोज अवस्था में है और यहाँ फूल खिला हुआ है ये ये सफेद रंग का फूल होता है इसका काफी फेमस है एल्बा का पेड़ ये एक मैंग्रोव वनस्पति है ये एक मैंग्रोव वनस्पति है दोस्तों यहाँ पर ये, ये एक मैंग्रोव वनस्पति दोस्तों यहाँ पर ये और इसका नाम क्या है इसका नाम दो बता मैं आपको यहाँ पर इसका नाम है सोनेरिशिया एल्बा जी हाँ इसका पेड़ का नाम है सोनेटिया एल्बा का पेड़ है दोस्तों एल्बा बोलते हैं हमारे भाषा में एल्बा पेड़ सोनर एल्बा या एल्बा का पेड़ केवल ये कहाँ मिलता है समुद्र का जहाँ जमीन से मिलन होता है मैंग्रोव कला पेड़ है अपने आप में और महाराष्ट्र की इस बोर्ड ने इस पेड़ को इस मैंग्रोव को घोषित किया है महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव जी हाँ महाराष्ट्र का स्टेट मैंग्रोव घोषित किया है राजकीय मैंग्रोव घोषित किया है इस एल्बा के पेड़ को पहला पॉइंट जो फैसला लिया इस वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने कि इस पेड़ को बचाया जाएगा और इसे घोषित किया गया है स्टेट मैंग्रोव ऑफ महाराष्ट्र पहला पॉइंट दूसरा इस मीटिंग में फैसला किया गया कि एक विशेष प्रकार की वेल मछली जो इन तटों पर दिखाई देती है जो इन तटों पर दिखाई देती है दोस्तों या आप देख रहे हैं हम बैक वेल जी हां हम बैक वेल मछली हम बैक वेल मछली यह अरब सागर की पहचान है अपने आप में इसका नाम ही है अरेबियन सी हम्प बेक वेल अरब सागर की पहचान है अरब सागर के कई देशों में मिलेगी आपको ये और इस ये महाराष्ट्र के तटों पर भी आपको दिखाई देती है महाराष्ट्र सरकार ने इस वेल के शिकार को रोकने के लिए इससे बचाने के लिए एक रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च किया है तो महाराष्ट्र सरकार हम्प बेक वेल को बचाने के लिए एक एक रिकवरी प्रोग्राम लॉन्च करेगी जो इसमें कहा गया है दोस्तों याद रखिएगा हम बेगवेल याद रखिए काम की बात चर्चा आपके लिए यहाँ पर तो मेरी चर्चा का विषय है दूसरा विषय यहाँ पर हम बेगवेल को बचाने के लिए

अरेबियन सी हम्प वेक वेल कहते हैं इसको हम लोग इसे बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम चल रहा है दोस्तों अरेबियन सी हम वेक वेल नेटवर्क जी हां अरेबियन सी हम्प वेक वेल नेटवर्क चल रहा है भारत इस नेटवर्क का भाग है क्योंकि ये जो मछली है ये मिलती है आपके इस पूरे इलाके में यानी ओमान में ईरान में पाकिस्तान में भारत में श्रीलंका में इन इलाकों में मिलेगी इन तटों में मिलेगी आपको ये तो भारत सरकार और देशों ने मिलकर लॉन्च किया है अरेबियन सी हम्प वेक वेल नेटवर्क बात बात है अलग ये अलग बात है महाराष्ट्र अपने स्तर पर बचाने का प्रयास कर रहा है मछलियों को और उसने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया रिकवरी प्रोग्राम इन मछलियों को बचाने के लिए याद रखिएगा तो इसका नाम क्या है दोस्तों हम्प वेक वेल मछलियों का प्रोग्राम ए एच डब्ल्यू एन नेटवर्क का नाम है और मछली का नाम क्या है हम अरेबियन सी हम्प बेक वेल मछली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है शिकार में या जाल में फंस जाती है मछुआरों के आमतौर पे ये जाल में फंस जाती है इनका शिकार भी होता है कई बार यहां पर हम वेक वेल मछली का याद कहने सारी बातें हम लोग यहाँ पर तो महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड की मीटिंग में दो फैसले लिए गए इस हम्प बेग वेल को बचाया जाएगा और इस पेड़ घोषित किया गया एल्बा के पेड़ घोषित किया गया इनका स्टेट मैंग्रोव एक चीज ध्यान से सुनिएगा बताने वाला हम यहाँ पर आपको बहुत ध्यान सुनिएगा काम की बात वो काम की बात दोस्तों ये है काम की बात ये है कि जो पेड़ है दोस्तों अगर आप देखें मैंग्रोव वनस्पति समझा दू मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आमतौर पर जितना आप समुद्र से दूर जाएंगे दूर जाएंगे तो पानी की नमकीनपन पानी में जो होता है वो कम होता जाएगा सेनिलिटी कम होती जाएगी पानी की लवणता कम होती जाएगी पानी में अवसाद कम होते जाएंगे जितना आप दूर की ओर जाएंगे जितना समुद्र की ओर जाएंगे ना आप जितना समुद्र की ओर आगे बढ़ेंगे उससे क्या होगा लवणता बढ़ेगी पानी की बढ़ेगी पानी में ज्यादा लवण घुले मिलेंगे उनकी आपको ज्यादा अवसाद मिलेंगे पानी के अंदर अवसाद बहुत ज्यादा होंगे पानी के अंदर यानी कुल मिलाकर पानी और युक्त होता जाएगा आगे जाने पर और एल्बा का जो पेड़ होता है एल्बा का जो पेड़ होता है, है दोस्तों वो परपता है बिल्कुल अंत में जाकर जहां पर पानी साल भर रहता है वहां पनपता है एल्बा का पेड़ ठीक है दोस्तों तो एल्बा का पेड़ कहां पर अपना है जहां पानी आपको ज्यादा मिलेगा जहां पानी आपको ज्यादा रहेगा हो भाई बात पर तो लास्ट जो पेड़ है बिल्कुल बिल्कुल आपका आपका दैट अंतिम अंतिम पेड़ होता है है यानी एक प्रकार से मैंग्रोव होती ये जो हमेशा पानी में डूबी रहती है अंतिम मैंग्रोव कड़ी जितना आप दूर होंगे तट से वो आपको हल्की मैंग्रोव मिलेगी जितना आप तट के और अंदर जाएंगे सबसे अंतिम कड़ी होती है आपकी एल्वा का पेड़ बहुत घनी वनस्पति का इलाका होता है एल्वा का पेड़ आपका यहाँ पर ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से आगे चल सकते हैं चलिए क्या क्लियर है दोस्तों बताइए मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा पर महाराष्ट्र सरकार के दो बड़े फैसले एल्बा का पेड़ मैंग्रोव घोषित और दूसरा वेल मछली को बचाने के लिए प्रयास करेंगे हम लोग ए एच डब्ल्यू एन नेटवर्क का पार्ट बनेगा साथ ही रिकवरी प्रोग्राम चलाएगा महाराष्ट्र अपना एंडेंजर्ड कैटेगरी है वेल की वहां पर बनाएंगे नंदी फाउंडेशन को रॉक फैलर सम्मान नंदी फाउंडेशन को रॉक फैलर सम्मान रॉक फैलर सम्मान मामला जानते हैं क्या है दोस्तों नंदी फाउंडेशन हैदराबाद का एक एनजीओ है नंदी फाउंडेशन हैदराबाद का एक एनजीओ है जो लगातार हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में अब तेलंगाना बन गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना और हैदराबाद के इलाकों में लोगों की आजीविका को बढ़ाने लोगों के अधिकार को इंश्योर करने उनको सुनिश्चित करने बच्चियों की शिक्षा पर गरीबों के कल्याण पर किसानों के वेलफेयर पर ट्राइबल के राइट्स पर बेहतरीन से काम कर रहा है दो राय नहीं है कई सालों से काम कर रहा है ऐसा ही इसने काम किया विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर स्थित राकू घाटी के जनजातियों के लिए अराकू अराकू जनजाति के जो घाटी के लोग हैं वहाँ पर उनके लिए काम किया अराकू फेमस है अपने कई कामों के लिए अराकू कॉफ़ी के लिए फेमस है अपने लेकिन वहाँ के किसानों को बहुत अच्छा मार्केट नहीं मिलता था ईस्टर्न घाट का पार्ट है पूर्वी घाट का भाग भाग है अराकू बहुत ग्रीन वैली अपने आप में टूरिज्म भी ठीक ठाक होता था वहाँ पर लेकिन वहाँ के किसानों की आय नहीं बढ़ रही थी वो कॉफ़ी पैदा करते थे उनको पैसा नहीं मिलता था इस काम का ठीक है तो यहाँ पर नंदी फाउंडेशन ने किसानों के साथ अपने आप को जोड़ा और एक अराकोनॉमिक्स शब्द जात के अराको उनॉमिक्स अराकू की इकोनॉमिक्स को इम्प्रूव किया इसने काफ़ी किसानों में अच्छी कॉफ़ी की वैरायटी बढ़ी यहाँ पर जी टैग मिला यहाँ के अराकू कॉफ़ी को जी टैग मिल गया कुछ दिनों पहले अराकू कॉफ़ी दुनिया भर में फेमस कराई इन्होंने मार्केटिंग की आराकू कॉफ़ी के लिए और किसानों से कहा कि आप जो खेती करो उसमें केमिकल्स का प्रयोग मत करो पेड़ लगाओ साथ साथ में आप लोग यानी ग्रीन फार्मिंग करो साथ साथ में आप केमिकल फार्मिंग बिल्कुल बंद कर दो आप लोगों को यहाँ पर पेड़ वेड़ भी लगाओ आसपास जैसे ग्रीन एरिया बढ़े आपके घाटी और सुंदर बने आपकी टूरिज्म बढ़ा यानी पिछले कुछ सालों में नंदी फाउंडेशन के प्रयासों से किसानों में अवेयरनेस आई जो ट्राइब्स उनमें अवेयरनेस आई उनको बड़ा मार्केट मिला उनके लिए बड़ा बाजार आ गया उनके यहाँ टूरिज़्म बढ़ा बड़े स्केल पर और आज अराकू ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है देखा जाए तो वन बेस्ट इलाका है आंध्र प्रदेश का जहाँ पर ग्रीनरी भी है टूरिज़्म भी है एग्रीकल्चर भी है और किसानों की आय भी है तो इस नाम को दिया अराकोनॉमिक्स नाम दिया गया इस पूरे कॉन्सेप्ट को किसने किया ये नंदी फाउंडेशन ने और इसीलिए नंदी फाउंडेशन को सम्मान दिया गया है क्या यहाँ पर यहाँ दिया गया है फूड विजन 2050 फिफ्टी प्राइज जी हाँ इसे अवार्ड दिया गया है फूड विजन 2050 का अवार्ड दिया गया है टू फिफ्टी प्राइज दिया गया है इसको किसको दिया गया दोस्तों ये नंदी फाउंडेशन को दिया गया पुरस्कार कौन देता है पुरस्कार दोस्तों ये पुरस्कार देता है आपका रॉक फेलर फाउंडेशन देता है आपका रॉकफेलर फाउंडेशन ये पुरस्कार मुहैया कराता है ये नाम देख सकते हैं मैं यहां पर स्क्रीन पर तो रॉकफेलर फाउंडेशन प्रोवाइड करता है अवार्ड अवार्ड का नाम है यहाँ पर फूड सिस्टम विजन आपका जो अवार्ड दिया गया है चलिए नंदी फाउंडेशन को दिया गया अराकुनॉमिक्स के लिए अराकु घाटी में एक नए प्रकार के लिवलीहुड को नए प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए चलिए चलिए सर आज यही सेम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आया था ठीक है ठीक है सर ठीक, ठीक, ठीक है तो याद रखिएगा अराकोनॉमिक्स राकू कहां पर है विशाखापट्टनम से कुछ दूरी पर राकू बना है आपका यहां पर आप देख सकते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मिलन होता है अराकोनॉमिक्स याद रखिए राकू बहुत सुंदर वैली अपने आप में इसको प्रयास किया गया है पैटर्न बढ़ाया गया है यहाँ पर अराकू में एक फेमस चीज़ हूँ अराकू में क्या है आपको यहाँ पर आराकू की एक फेमस चीज़ है यहाँ का जो ट्रेन चलती है विशाखापट्टनम से अराकू तक विस्टा डोम ट्रेन चलती है जिसके जो तो डब्बे होते हैं काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें आप बाहर के दर्शन बाहर के जो नज़ारे हैं उनको आप देख सकें आराम से तो ट्रांसपेरेंट डब्बे बनाए गए काफ़ी हद तक रेलवे में से जिसमें लोग यहाँ पर टूरिज्म का मजा कर सकें ठीक है दोस्तों अच्छा एक बात और सुन लीजिए यहाँ पर चर्चा का विषय रहेगी आपके लिए ये जो रॉक फेलर फाउंडेशन है ये किस आधार पर ये

बढ़ना चाहिए डिसेंट्रलाइज होना चाहिए एंटरप्रीनरशिप बढ़नी चाहिए फैमिलीज को सपोर्ट मिले ग्लोबल मार्केट आपके पास हो हेड स्टैंड स्टैंडर्ड इनोवेशन आपके पास हो यदि आप ये काम कर पाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ एच के आधार पर आपको यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा यदि आपने समुदाय में इन सब चीजों को शामिल करा दिया तो अवार्ड मिलेगा आपको यहाँ पर रॉकफेलर फाउंडेशन का जो कि नंदी फाउंडेशन ने एग्जैक्टली काम यही किया है अपने इलाके के लिए तो राकोनॉमिक शब्द जो पड़ा इसी से आया राकोनॉमिक शब्द यहाँ पर चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे बिना रुके हम लोग यहाँ पर टॉपिक आगे चलते हैं हम लोग लेके यहाँ से ठीक है ठीक है, है।, है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग यहां से आगे चलेंगे टॉपिक पे आता हूं मैं ओके वन नाइन न्यूज़ है दोस्तों एक मछली की बात करने वालों में आपसे यहाँ पर एक मछली फेमस मछली हमारे यहाँ पर वो आपकी स्क्रीन पर दे आप देख रहे हैं साडिनइन मछली जिसे अपनी हिंदी भाषा में कहते हैं चुन्नी मछली हम लोग चुन्नी मछली या साडेन मछली की बात करें बहुत फेमस मछली है भारत की कुल मछलियों में लगभग एक वन सिक्स हर छठवा भाग सत्रह के आसपास यही मछली होती है हमारे देश में बहुत कॉमन है अपनी मछली इंडिया में होना ये चुन्नी मछली या साडिन मछली या इसका नाम है यहाँ पर लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी आबादी लगातार कम होती जा रही है अब मछुआरों के जाल में ये मछलियाँ कम ही मिलती हैं कारण क्या है इनकी संख्या कम हो रही है कम क्यों हो रही है ओवर हार्वेस्टिंग अति दोहन के कारण तो याद रखिएगा इसका पूरा नाम है इंडियन ऑयल सार्डिन मछली या सामान्य भाषा में चुन्नी मछली जो अब मिलना कम हो रही है कारण है इनका अति दोहन किया गया है इनकी आबादी धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है तो अति दोहन की वजह से इनकी आबादी यहाँ पर कम हो रही है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से तो याद रखिएगा कहाँ मिलती है मुख्यतः ये ये मुख्य मिलती है दोस्तों इंडिया के पूरे तटों में मिलती है ये इंडिया में हर जगह आपको मिलेगी मछली हर जगह आपको मछली मिलेगी यहाँ पर ये तो एक बहुत कॉमन मछली है इंडिया के मार्केट के लिए केरल में तमिलनाडु में कर्नाटक में लगभग हर राज्य के तट पर इसको आप देख सकते हैं इस मछली को आराम से चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ से दोस्तों एक मुद्दा चल रहा है लगातार देश के अंदर काफी चर्चा में है अपने यहाँ पर ई ड्राफ्ट का मुद्दा जिसको लेकर सरकार बार बार बयान जारी कर रही है अभी मैं इस पर टॉपिक चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अभी आने दिनों में और मेच्योर होगा इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए लेकिन ई जानते हैं आप लोग चर्चा में संघ एक बार हुई आपके साथ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर ई आई ए अधिसूचना ई आई ए नोटिफिकेशन दो हजार छ का आया था पहले अब सरकार दो हजार छः के नोटिफिकेशन के स्थान पर एक नया आदेश जारी करना चाहती है नया आदेश ई आई ए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन के स्थान पर एक नया मूल्यांकन या कहना चाहिए मुझे एक नया प्रयास करना चाहती है हमारे यहां पर और उसके लिए ग्यारह अगस्त की डेट सकाने रखी है पर लोग अपना व्यू अपना अपना एक आ, सरकार को विचार दे सके सुन लीजिए मामला क्या दोस्तों यहां पर क्या बात हुई हमारी इस बारे में एक बार भी कभी इस प्लेटफॉर्म पर दोस्तों बताइए मुझे यहाँ पर अपने क्या बात हुई हमारी कोई यहाँ पर इस बारे में आई ए पर चर्चा हुई है मेरे ख्याल चर्चा हुई होगी लास्ट वीक भी हमने जब बात की होगी एनवायरमेंट मुद्दे पर जरूर तो बात होगी इस बारे में आपसे मेरी यहां पर ठीक है थैंक यू दोस्त चलिए नहीं हुई बात नहीं हुई है चलिए सुन लेते हैं आराम से मामला क्या है चलिए दोस्तों मामला समझेंगे पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट ठीक है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत सरकार को विकास और पर्यावरण में एक संतुलन बना के रखना है विकास भी होता रहे और पर्यावरण भी खराब ना हो हमारा तो इसी के मद्देनज़र भारत सरकार ने इस अधिनियम का प्रयोग करते हुए पहले 1994 में और फिर 2006 में एक अधिसूचना जारी की इसका नाम होता है ई आई ए नोटिफिकेशन ई आई ए अधिसूचना ई आई नोटिफिकेशन या ई आई अधिसूचना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना जारी की भारत सरकार ने पहले 94 में और फिर जारी की नाइन्टी दो में क्या होता है इसके अंदर वन लाइन सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब होता है यदि कोई कंपनी कोई परियोजना बनाना चाहती है प्रोजेक्ट बनाना चाहती है इसमें पेड़ काटे जाएंगे नुकसान होगा एनवायरमेंट को पॉल्यून निकलेगा या कुल इलाके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेगी वो कंपनी तो ऐसे में उस कंपनी को सरकार से लेना होता है अप्रूवल और सरकार कहती है बताइए आप प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा और नुकसान को कम करने के लिए आप क्या करने वाले हैं आराम सुन लीजिए दोस्तों आराम से लीजिए आराम से बात करते हैं हम लोग ऐप पर चर्चा मैं कर चुका हूँ जानता हूँ ऐप पर चर्चा हो चुकी है यूट्यूब पर चर्चा नहीं हुई है हमारे प्लेटफॉर्म पर सुन लीजिए यहाँ पर दोस्तों यानी कि जो कंपनी बना रही है परियोजना वो सरकार को देती है सरकार से मांगती है परमिशन कि परमिशन दीजिए हमको काम करने के लिए सरकार कहती है परमिशन देंगे लेकिन कब देंगे परमिशन आपको आप पहले कराइए आइए ई आई ए रिपोर्ट ई आई ए रिपोर्ट लेकर आइए अप्रूव कराइए आइए उस ई आई ए रिपोर्ट को और अप्रूवल के बाद आप काम कर सकते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर ठीक बात है तो उसके लिए नियम होते हैं ई रिपोर्ट तो ई रिपोर्ट कैसे बनेगी कैसे पास होगी उसके नियम दिए गए हैं दो की अधिसूचना में उसके नियम दिए गए हैं दो की अधिसूचना में अब यहाँ पर सरकार उन नियमों को बदल रही है ई रिपोर्ट तैयार करवाना हो ई को पास करवाना हो ई आई रिपोर्ट में कोई बदलाव करना हो इसके लिए नियम बदल दिए गए हैं और नियम अब थोड़े से आसान कर दिए गए हैं ये आरोप आरोप है सरकार के कुछ लोगों पर कि सरकार ने ई के प्रावधानों को आसान कर दिया है हमारे काम का नहीं आसान किया खराब किया है हमारे काम का पीटी के लिए कि सरकार ने ई 2006 के नियमों को बदलने का फैसला किया है नए नियम जारी किए सरकार ने इसके लिए और लोगों से मांगी है उनकी राय कि आप क्या सोचते हैं नए नियमों के बारे में तो यहाँ पर नए नियमों पर क्या होगा देखेंगे भविष्य उत आएगा लेकिन हाल फिलहाल के लिए सरकार ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है जनता से उसका उनका मन मांगा है उनका मत मांगा है जनता क्या सोचती है उनके आधार पर सरकार जारी करेगी अंतिम रूप देगी ई के प्रावधानों को ई के प्रोविजंस को यहाँ पर को बता चुके हैं दोस्तों हम लोग जी हाँ बात हो चुकी है हमारे यहाँ पर टॉपिक बात हो चुकी है कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं सीधा हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो 11 अगस्त तक आम जनता को बताना है सरकार को कि आ, कैसे लगे उसके ई आई के नए नियम सलाह देनी है सरकार को अपनी उसके बाद सरकार फाइनलाइज करेगी नए नियमों को दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ पे आएंगे लोग आएंगे पानी जाए आपके सवाल दीजिए फटाफट अगले दो मिनट आपके सवालों के लिए दोस्तों अगले दो मिनट आपके सवालों के लिए सर इस साल के प्री के लिए अब करंट पढ़ना बंद कर दें या पढ़ते रहें अगस्त लास्ट तक पढ़िए दोस्त अगस्त लास्ट तक जरूर पढ़िए अगस्त लास्ट से जरूर पढ़िएगा शेखर राय कह रहे हैं क्लियर सर विवेक कह रहे हैं यस सर और बाकी लोग समझाए बात कोई सवाल केरल हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है शायद कन्नड़ लैंग्वेज जी हाँ केरल ने लगा दोस्त बता रहा था मैं आपको कल सुनते हैं आप लोग उसमें भी कर्नाटक हाईकोर्ट लगाएगा इसको ना उसको केरल करना कन्नड़ भाषा से कर्नाटक हाईकोर्ट लगाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट लगाया दोस्तों इस पर स्टे लगाया है अंतिम पब्लिश करने से ठीक है चलो ठीक है सर दीक्षांत पर आ गए हैं दीक्षांत पे हूँ में एक साल डेढ़ साल से दो साल होगा दीक्षांत मुझे लगभग ई आई कौन देखता है सर ई आई मंत्रालय देखता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट देखता है ई रिपोर्ट को चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से <coughs> आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं ओके हेड नाइंगेरा पोकाली चावल जी हाँ अगला टॉपिक हमारे पास है पोकाली चावल पोक काली चावल सर क्या है चावल बता दूंगा आपको दोस्तों पोकाली जगह है ये आपके केरल में उसके नाम पर ये चावल को जीआई टैग मिला हुआ है ये जगह है दोस्तों चावल की एक किस्म है जो केरल के कुछ जिलों में होती है पोकाली वहाँ पर इसको जीआई टैग मिला है इस चावल को जीआई टैग मिला हुआ है इस चावल को खास बात क्या है ये खारे पानी में होता है ये चावल खारे पानी में भी हो सकता है यानी कि पानी में अगर लवण है सॉल्ट है तब भी ये चावल हो सकता है खास बात इसकी ये है ये रजिस्टिव है खारे पानी के प्रति अच्छी बात है यहाँ खेती हो सकती है खारे पानी में केरल के कुछ इलाके जो हैं दोस्तों केरल के जो कुछ इलाके हैं वहाँ समुद्र का पानी भर गया खेतों के अंदर क्योंकि लो लाइन इलाके हैं लो लेवल के इलाके हैं समुद्र का पानी अंदर आ गया है और भर जाता है खेतों के अंदर तो ऐसे में वहां के किसान पोक चावल की खेती करते हैं जिससे वो खारे पानी से निपट सके खारे पानी से फाइट कर सके कोई समस्या हमको नहीं याद होगा आपको ये तो यहाँ पर हम देखें तो पोक चावल होता है यहाँ पर खेतों में इनके चलो ये बात पुरानी हो गई पश्चिम बंगाल यहाँ पर आया दोस्तों एक चक्रवात आमफान नाम का चक्रवात आया है यहाँ पर और आमफान चक्रवात के आने के बाद क्या हुआ पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के जो इलाके हैं सुंदरवन के जो इलाके हैं वहां भी समुद्र का पानी भर गया है समुद्र का पानी पहुंच गया है यानी वहां भी सॉल्टी वाटर हो गया है वहां के सुंदरवन के जन खेतों में अगर वो खेत का पानी खेत में पानी यूज करते हैं समुद्र का तो खारा पानी आएगा और उनका चावल नहीं होगा तो ऐसे में अब पोक्ली चावल पहुंच गया है केरल से कहाँ पर वेस्ट बंगाल में जी हाँ केरल से पहुंच गया वेस्ट बंगाल में अब वेस्ट बंगाल के किसान भी पोक काली चावल खेती करेंगे और अपने खारे पानी से लड़ पाएंगे अपने खेत को बचा पाएंगे तो पोकाली चावल चर्चा में है पहुंच गया केरल से कोलकाता तक आमफान जो आया था वेस्ट बंगाल में चक्रवात जिसके बाद यहाँ पर इलाकों में सुंदर के इलाकों में का नुकसान हुआ काफी बड़े स्केल पर और अब वहाँ पर पोक चावल के जरिए खेती की जाएगी चावल की क्योंकि एक सेलाइन वाटर रजिस्टर होता है खारे पानी के प्रति प्रतिरोधी होता है ये ये चावल पोकाली चावल आपका दोस्तों हमको यहां पर आगे बढ़ेंगे आपके साथ पोक्ली चावल आगे बढ़ते हैं दोस्तों खबर पे आता हूं आपके साथ काली चावल ओके ओके okay, बात करें दोस्तों ढोल ढोल एक जीव हमारा शिकारी जीव ढोल इसके संरक्षण को लेकर प्रयास हो रहा है और कर्नाटक मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है काफ़ी अच्छा प्रयास किया है कंजर्वेशन का इसको यहाँ पर इसका मानना है ढोल जो शिकारी जीव है इसके संरक्षण को लेकर कर्नाटक ने महाराष्ट्र ने और मध्य प्रदेश ने काफ़ी अच्छा काम किया है तो ढोल मिलते क्या देश के अंदर दोस्तों ये जीव जो ढोल है ये लगभग पूरे देश आपको मिलेगा हिमालय से लेकर ईस्ट घाट से लेकर वेस्ट घाट तक हर जगह मिलता है ढोल आपको ये एक शिकारी जीव है दोस्तों ये शिकारी जीव होता है ये और इसके लिए बचाने के लिए काफी प्रयास किया किसने यहां पर कर्नाटक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ने उसको बचाने का अच्छा प्रयास किया है ये कहना है सरकार का रिपोर्ट का चलिए ठीक दोस्तों एनवायरमेंट की कुछ बातें थी करने के लिए आपके साथ बाहर आते हैं हम लोग चर्चा करें साइंस टैग कोरोना में अपडेट क्या है आपके ये कोरोना में अपडेट क्या रहा दोस्तों सुनेंगे आपके साथ फटाफट हम लोग यहाँ पर कोरोना में अपडेट क्या आ रहे हैं पहली खबर हमारे पास कोरोना में दोस्तों ओके okay, खबर यहाँ दोस्तों ये है कि एक कंपनी हमारी सीरम इंस्टीट्यूट सुना आपने इस कंपनी के बारे में सीरम इंस्टीट्यूट एक कंपनी है हमारी ऑफ इंडिया शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग एस आई आई ठीक है कंपनी नाम एस आई आई इस कंपनी को ब्रिटेन से और अमेरिका से ऑर्डर मिले हैं दवा बनाने के किस बात की दवा कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन बनाने की क्योंकि वहाँ रिसर्च पूरी हो गई है थर्ड फेज में आ चुकी है रिसर्च यानी दवा सफल होने वाली है उनके द्वारा बनाई गई अब वो चाहते हैं हमने दवा सर्च तो कर ली हम लोगों ने दवा तो बना ली हम लोगों ने अब इसका उत्पादन बड़े स्केल पर करना जरूरी है और बड़े स्केल पर कौन कर सकता है दुनिया की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट जी हाँ तो सीरम इंस्टीट्यूट से दवा निर्माण कराई जाएगी ये मानना है अमेरिका का और ब्रिटेन का ब्रिटेन में रिसर्च हुई उनका मानना है कि सीरम से रिसर्च कराई जाएगी ठीक है सीरम से दवा निर्माण की जाएगी अब सीरम की समस्या ये है आपका ऑर्डर तो आ गया आपने ऑर्डर दे दिया मुझे यहाँ पर बनाओ एक करोड़ दवा बनाओ यहाँ पर लेकिन क्या मैं तैयार हूँ उस काम के लिए क्या मेरी कंपनी तैयार है क्या इतनी क्षमता मेरे पास है कि ऑर्डर तैयार कर पाऊँ तो मुझे अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा फैक्ट्री का विस्तार करना होगा और फैक्ट्री के इसी विस्तार को फैक्ट्री के इसी विस्तार को दोस्तों यहाँ पर पैसा उसको आवश्यकता है और फैक्ट्री के इसी विस्तार के लिए पैसा कहाँ से लेकर आ रहा है दोस्तों ये ये पैसा लेकर आ रहा है कौन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पैसा लेकर आ रहा है किससे गावी नाम की संस्था से सर ये गावी क्या है दोस्तों ये ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन बनाने के लिए ये गावी नाम की संस्था है ये ग्लोबल अलायंस है एक प्रकार से ग्लोबल गठबंधन है किसके लिए वैक्सीन या दवा निर्माण करने के लिए ठीक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ है काम करता है लंबे स्केल पर ये तो ये फंडिंग देगा सीरम को कि आप दवा बनाइए अपने स्केल पर इसकी फंडिंग कहां से होती है दोस्तों इसकी फंडिंग याद रखिए काम की चर्चा इसमें इसकी फंडिंग कहां से होती है ओके okay. तो गावी की फंडिंग कहां से हो रही है दोस्तों डब्ल्यू फंडिंग करता है गावी की वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है गावी की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंडिंग करते हैं यूनिसेफ करता है डब्ल्यूएचओ एच ओ करता है, है. यानी कहीं ना कहीं डब्ल्यू एचओ वर्ल्ड बैंक यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये संस्थाएं इसकी आ, कहना चाहिए मुझे इसकी आ, फंडिंग करती हैं इसके अलावा देशों की सरकारें बहुत सारी रिसर्च एजेंसी और एन सिविल सोसाइटी इसकी फंडिंग करते हैं जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ गावी नाम की संस्था के साथ तो गावी देगी पैसा यहाँ पर किसको सीरम को कि भाई एक काम करो तुम जो वैक्सीन बना रहे हो उसे सस्ते में उपलब्ध कराओ किसे सस्ते में उपलब्ध कराओ उसको आप कहाँ पर उसे उपलब्ध करा दो गरीब लोगों को गरीब देशों को तो इसके लिए पैसा कौन देगा गावी देगी किसे सीरम को तो याद रखिए न्यूज काम की आपके लिए चर्चा होती रहेगी इस टॉपिक पर आपके साथ गावी और सीरम की बात ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से आगे चलेंगे हम लोग यहां टॉपिक को लेकर आपके साथ ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन गावी Okay. स्वदेशी हो सके स्वदेशी उपकरण बना सके हम स्वदेशी स्तर पर देश में मेडिकल डिवाइस बना सके इसके लिए बनाई गई दोस्तों क्या वघेला समिति की सिफारिश स्वीकार की गई है और अब देश में नई पॉलिसी लेकर आई जाएगी दवा निर्माण के लिए नई आरएनडी नीति लेकर आई जाएगी याद रखिएगा तो वघेला समिति की सिफारिशों को फॉलो करते हुए देश के अंदर दवा निर्माण पर एक दवा निर्माण पर एक क्या बनेगी दोस्तों एक हमारे कमेटी एक एक पॉलिसी लेकर आएंगे हम लोग जिससे हम देश में दवा निर्माण को बढ़ावा दे सकें देश में दवा निर्माण हमारे यहाँ बढ़ सके वघेला कमेटी याद पूछ सकता है बनना वघेला कमेटी के बारे में तो दोस्तों आ, अपनी क्लास अपन नहीं रोकते हैं आज थोड़ा सुबह तबियत खराब चल रही थी मेरी तो सर ने कहा का क्लास ना छूट जाए हमारी रेगुलर बने रहे हम लोग तो इसलिए मैं क्लास कर रहा था लेकिन अब लगता नहीं ज्यादा सपोर्ट में कर आप आपका तो रोकता हूँ क्लास में अपने यहाँ पर आ, मुलाकात होगी आपसे साइंस क्लास मैप पर और यूट्यूब पर फिर मुलाकात होगी अपने इसी करंट दूसरे सेशन में जहाँ जो टॉपिक बचे हैं उनको पूरा करेंगे दीजिए मुझे आगे आज के लिए मिलूँगा आपसे जल्दी ही थैंक यू शुक्रिया